देखेंगे, अभी आप देखेंगे बेटे, हम जिस तरह से एनसीईआरटी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे बेटे, आपको ये लगेगा कि ये सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। आसान ही नहीं है बेटे, इंटरेस्टिंग भी है और आगे आने वाले आपके जीवन में बेटे लाभकारी भी है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फ्यूचर मेडिसिन है वो बेटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, इसके अराउंड चलेगी। तो मुझे उम्मीद है आप भी इस बात के से अवेयर होंगे कि बहुत तेजी से बेटे जो मेडिसिन है वो चेंज हो रही है। आगे आने वाले टाइम में हम ये कह रहे हैं कि ये चीज बेटे जीनोमिक्स और इस सब चीजों के चारों तरफ चलेगी, और इसीलिए आपके लिए बेटे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बेटे, मेजॉरिटी ऑफ द नोबेल प्राइज अगर आप साइंसेज में देखें तो बायोकेमिस्ट्री से मिलते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द हैपनिंग ब्रांच। सो आप देखिए आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, अभी जो लास्ट जो किसी एक इंडियन को बेटे नोबेल प्राइज मिला था, क्या आप उनका नाम जानते हैं? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था एंड ही वर्क ऑन राइबोसोम। सो क्या नाम है उनका, किसी को नाम पता है बेटे? शाबाश, रामाकृष्णन। बिल्कुल ठीक कहा बेटे, रामाकृष्णन। तो बहुत सी चीजें बेटे, बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। ठीक है बेटे, मैंने तो फ्रेडरिक मिक्सचर के बारे में आपको बताया कि फ्रेडरिक मिक्सचर जो है बेटे वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे, फिर उनको टाइफस हो गया। टाइफस शायद शब्द नहीं बताया था मैंने आपको, एक बीमारी हुई उसे टाइफस कहते हैं, उसमें हियरिंग बेटे इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब उनकी हियरिंग गायब हो गई तो उन्हें लगा कि अब मुझे डॉक्टर बनने का फायदा नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में कुछ करता हूं। एंड ही डिस्कवर्ड बेटे डीएनए इज द न्यू क्लीन। सो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चे कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन केमिस्ट्री। वेरी वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। सो मेरा बेसिक आइडिया ये था बेटे कि ये जो चीज है ये आपके लिए, मैं देखिए बहुत सीरियसली आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री इज वेरी पेइंग एंड वेरी एक्साइटिंग बेटे प्रोस्पेक्ट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एमबीबीएस करने के बाद में केवल और केवल मरीज ही देखें, ये मतलब ज्यादातर लोग आप यही करेंगे, लेकिन अगर कुछ चले अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री बेटे, बायोकेमिस्ट्री इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वो लोग हैं जो नई नई ड्रग्स बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो नए नए बेटे टेस्ट के बारे में सोचते हैं। साथ में बेटे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपकमिंग चीज है, बायो इंजीनियरिंग, ये सारे लोग मिलकर के वो इंस्ट्रूमेंट्स और दवाइयां वो सारी चीजें आपके लिए बनाते हैं, वो टेस्ट की किट्स बनाते हैं जिन्हें आप पेशेंट्स पे यूज कर पाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी एक्साइटिंग एज वेल। सो